यूपी के कई जिलों में होली के त्योहार को लेकर प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसको लेकर प्रशासन ने जरूरी इंतजाम करने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में संभल और शाहजहांपुर प्रशासन ने शहर की मस्जिदों को ढकना शुरू कर दिया है। इसका मकसद ये है कि होली पर्व पर निकलने वाला जुलूस शांतिपूर्ण संपन्न कराया जा सके। हालांकि धार्मिक स्थलों को ढकने की बहुत पुरानी परंपरा नहीं है, यही कारण है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों में इसको लेकर आपत्ति है। उनका कहना है कि इससे मुस्लिम समुदाय में भय का माहौल बन जाता है और जिला प्रशासन शांति व्यवस्था का हवाला देकर एक समुदाय विशेष के धार्मिक स्थलों को जबरन ढकने का काम करता है। जैसा कि सभी को पता है कि कुछ ही दिनों के बाद होली का त्यौहार आ रहा है, उस त्यौहार के सबब इन मस्जिदों को ढका जाता है। हालांकि अभी हाल ही में तकरीबन परसों वाले दिन हमारी मीटिंग भी हुई थी सदर थाने में, वहां पर इस बात को उठाया गया था, क्योंकि ये शहर शाहजहांपुर हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब है। इस तहजीब को मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन को ज्ञापन भी दिया गया था ईदगाह कमेटी की जानिब से कि इस तरह से मस्जिदों को ढका जाना ये हमारी कौमी एकता को एक तरीके से और मुस्लिम कौम को ऐसा लगता है कि दहशत का माहौल नज़र आता है। शाहजहांपुर में प्रशासन ने 60 से ज्यादा मस्जिदों और मजारों को तिरपाल से ढकने का काम शुरू कर दिया है। वहीं संभल में भी कई मस्जिदों को ढक दिया गया है। संभल के सभी मस्जिदों को तिरपाल और पन्नी लगाकर चारों तरफ से ढकने का काम शुरू किया गया है। कई बार होली और एकादशी रंग पर धार्मिक स्थलों पर कलर पड़ने की शिकायत आई है, जिसे लेकर प्रशासन धार्मिक स्थलों को ढकने की तैयारी कर रहा है। जो भी होली मनाने सड़क पर निकले तो धार्मिक स्थल पर रंग ना पड़े, इसी वजह से पुलिस प्रशासन पहले से अलर्ट है। धार्मिक स्थलों को गुरुवार रात से ढकने का काम शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले साल मस्जिद पर रंग डालने पर शहर में विवाद हुआ था। शहर की सभी जामा मस्जिद, एक रात की मस्जिद, बाजार सदर मस्जिद, कोतवाली के नजदीक की मस्जिद, मदरसा और आसपास जहां भी लोग रंग खेलते हैं वहां सभी मस्जिदों को सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग पर तिरपाल शामियाने से ढक दिया गया है। ये होली के इतिहासी रंग को लेकर ये पन्नी ढकी गई है, इससे कोई असामाजिक तत्व कोई घटना को अंजाम न दे सके और उनकी मंशा को मद्देनजर रखते हुए ये प्रशासन ने अच्छा कदम उठाया है और यहाँ की तरफ से ये पन्नी ढकी गई है। इसमें बहुत अच्छी बात है कि शहर में माहौल खराब ना हो और शांति व्यवस्था बनी रहे। वहीं शाहजहांपुर में होली के पर्व पर जुलूस निकालने की परंपरा है। शाहजहांपुर में लाट साहब के दो जुलूस निकाले जाते हैं, जिसको छोटे और बड़े लाट साहब के नाम से जाना जाता है। छोटे लाल साहब का जुलूस सरायकाई मोहल्ले के अंदर से निकलता है। शहर की फिजा खराब ना हो और शहर में शांति पूर्वक त्योहार हो, इसीलिए होने वाले रंगों की होली पर सभी चीजों को देखते हुए प्रशासन ने धर्म गुरुओं से मिलकर ये कवायद शुरू की। सभी मस्जिदों के इमाम और मुतवल्ली उन्हें इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। खुद अपने हाथों से टीम के साथ पूरी मस्जिद को कवर करते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल इस कार्यवाही से शहर में शांति व्यवस्था बनती नजर आ रही है। प्रशासन ने बताया है कि सभी प्रशासनिक अधिकारी एवं कर्मचारियों के साथ मिलकर शहर के गणमान्य जिम्मेदार लोगों के साथ पीस मीटिंग की जा रही है और लोगों से पुलिस के आला अधिकारी एवं संबंधित थाना प्रभारी लगातार संपर्क बनाए हुए हैं। होली के त्योहार को सकुशल संपन्न करवाना हम सब लोगों की प्राथमिकता है।